वंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव दिए। आज हम टैरो पर बात करें। टैरो में जनरली लोगों को लगता है कि ये केवल पत्तों का खोलने का है या बहुत सरल है, ऐसा नहीं है। टैरो आपको बहुत ही डिफरेंट और बहुत सटीक रिजल्ट्स दे सकता है। चाहे आप प्रश्न करें या टैरो करें, दोनों एक जैसे रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम है। तो जब हम टैरो पर बात करते हैं तो क्या टैरो को क्या अलग अलग बताता है और कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी दिशा में हमें लेकर जा रहा है? क्या ये हमारे एनर्जी को यूज करने को बता रहा है? क्या ये हमारे लिए पैसे लाने का की बात कर रहा है या हमारे थॉट प्रोसेस को बदलने की बात कर रहा है? ये हमें किस तरह से मालूम पड़ेगा? आप जाने कि टैरो जो है वो चार तरह के एलिमेंट्स पर काम करता है। वो माइनर आर्कना के चार एलिमेंट्स होते हैं। वो चार एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं वॉन्ड्स। वॉन्ड्स को क्लब्स भी बोलते हैं, उसको बैटन्स भी बोलते हैं, उसको स्टिक भी बोलते हैं, और वो आपके अग्नि तत्व के साथ काम करते हैं। अग्नि तत्व हम जानते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, वो हमें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यदि सपोजिंग आपका एस ऑफ वांड्स आ गया लाइफ, तो काम के बारे में या आपने किसी चीज के बारे में पूछा तो हम बोलेंगे फिजिकली लाइफ में कुछ नया चेंज आएगा, कुछ आप नया नव निर्माण की ओर बढ़ेंगे आप। हो सकता है यदि किसी ने काम के लिए पूछा तो हम कह सकते हैं कि आपका कोई नया काम शुरू होगा, आप कोई नई फैक्ट्री लगाएंगे या कुछ भी आप नया काम करने के लिए तैयारी करें। अब यदि हम बात करें जल तत्व के लिए तो उसको कब्जी भी बोलते हैं, चलाइस भी बोलते हैं। और जल तत्व हम जानते हैं कि वो आपके इमोशंस के बारे में बता रहे हैं, वो आपकी संवेदनशीलता के बारे में या प्रेम आदि के बारे में बता रहे हैं। तो यदि कभी एस ऑफ कप्स आ गया, एस यानी कि नंबर वन, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि कुछ नया आपके जीवन में, कोई प्रेम संबंध हुआ या आप कोई भी चीज क्रिएटिविटी हुई, जो इमोशनल क्रिएटिविटी है, चाहे आप कोई पेंटिंग सीखें, कोई नई कला की बात हुई, तो वो सारी चीजें जीवन में आने वाली हैं। जब आप वायु तत्व की बात करते हैं तो हम उसको स्वॉर्ड्स के साथ एसोसिएट करते हैं और या नाइफ्स भी उसको बोलते हैं, और वो बताते हैं कि आपका कोई नया मेंटल प्रोसेस शुरू होने वाला है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है, कोई आइडिया ऐसे आने वाला है जो आपको जीवन में एक नया दृष्टिकोण देगा। और जब हम अपनी मेंटल प्रोसेसेस को बदलते हैं तो हमारे लिए स्वयं के लिए एक बहुत सारा चेंज लाइफ में आ जाता है। देखने का दृष्टिकोण बदल गया तो चीजें ही बदल गई। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया आपके लिए तो आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, वो चीज बता देता है। अब बिजनेस में भी यदि एस ऑफ वॉर्ड्स आ गया तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो आप बिजनेस को भी कहीं डिफरेंट दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में भी चेंज ला सकते। फिर प्रैक्टिकलिटी के लिए तो हम जानते ही हैं कि वो पृथ्वी तत्व है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत पैसे से ओरिएंटेड है, हर चीज को स्ट्रक्चर करने की उनको जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली नया करने की जरूरत होती है। वो यदि एस ऑफ आपके कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स को हम पेंटिकल्स भी बोलते हैं। तो ये जो चार तत्व है वो चार सूट्स से डिफाइन होते हैं। फायर के लिए हम वॉन्ड्स देखते हैं, अर्थ के लिए हम पेंटिकल्स या कॉइंस देखते हैं, वाटर के लिए हम कप या चलाइस, और स्वॉर्ड और नाइफ्स हम देखते हैं एयर या वायु तत्व से। अब जो यदि दो लोग सेम क्वेश्चन करें तो हम सेम आंसर तो देते नहीं किसी को भी, क्यों? क्योंकि तत्व यदि अलग अलग आते हैं व्यक्ति के, और तत्व कौन से महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि रिपीटेडली आपके कार्ड्स में आ रहे हैं। यदि आपने 10 कार्ड स्प्रेड किया और उसमें से 5 कार्ड जो है वो फायर एलिमेंट का आ गया, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि भाई बहुत जरूरी है कि तुम कुछ फिजिकल एक्टिविटी दिखाओ। लेकिन ये यदि 5 कार्ड यदि वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके थॉट को लेकर स्वॉर्ड्स आ गया, तो भाई अब फिजिकल एक्टिविटी बाद में करना, पहले अपने
थॉट्स को, वो पहले अपने विचारों को एक एक पैरल में रखो या एक उसको सही करो और उसके बाद आगे बढ़ के कोई काम करो, ये हमारा दृष्टिकोण होता है। यही यदि किसी का पेंटिकल आ जाता है तो हम बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल वर्क, ठीक से उस चीज को समझो, उस चीज को पहले ठीक से उसका उसको लेवल में लगाओ या उसको एक स्ट्रीम लाइन करो और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सारी चीजें हम देखते हैं जो कौन सा कार्ड, कौन से तरह के कार्ड्स ज्यादा आ रहे होते हैं। यदि आप तीन कार्ड का स्प्रेड करें, क्योंकि वो सबसे इजी होता है और उसमें बहुत सारे आंसर्स होते हैं, थ्री कार्ड स्प्रेड मतलब आप अनेकों ढंग से कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं, व्हाट ही वांट्स, व्हाट आई वांट, व्हाट द रिलेशनशिप वांट्स, या हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे प्रोग्रेस करेगा, या क्या था अभी क्या है आगे किस तरह से प्रोग्रेस करेगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, पहले कैसे कर रहे थे अभी कैसे करेंगे और आगे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें क्या हमारे जीवन में हमारा पिछला जो कर्म है वो कट गया, अभी हमको किस बात पे ध्यान देना चाहिए और उसका आगे चल के क्या नतीजा होगा, ये सारी चीजें हम थ्री कार्ड से कर सकते हैं। तो बहुत सारी रीडिंग हम थ्री कार्ड से कर सकते हैं। अब दो व्यक्ति यदि सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं आगे पढ़ाई ढंग से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो किस तरह किस कारण से पूछ रहे हैं वो भी आपको बता देगा कि वो सूट कौन सा है। ये यदि इमोशनल हो रहा है व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेके, तो ऑब्वियसली कप्स का सूट ज्यादा आ रहा है। यदि वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई को लेके भयभीत हो रहा है कि मैं अपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो या तो वो स्वॉर्ड्स में जा रहा है, और यदि उसको लग रहा है इसको ऑपोजिशन मिलेगा बाहर वालों से, तो कहीं ना कहीं वो वॉन्ट्स में जा रहा है। उसको लग रहा है कि यदि बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं, तो वो आपको कॉइन्स में बता रहे। तो यही क्वेश्चन मेरे पास दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर किया कि क्या मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज बताए, यदि कोर्ट कार्ड आ जाता है तो बताता है कि कौन सा व्यक्ति अपोज करेगा, कौन सा व्यक्ति सपोर्ट करेगा, या आपका क्या निर्णय हो रहा है। और यदि मेजर आर्कना कार्ड आता है तो उस व्यक्ति को इस बात से भली भांति अवगत होना चाहिए कि वो डिसीजन आपको लेना बहुत जरूरी है। फिर पोजिशन ऑफ द कार्ड बहुत जरूरी है कि मेजर आर्कना बीच में है, साइड में है, कहाँ है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। जब आप वो डिसीजंस लेते हैं तभी आपके लिए आउटकम सही होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पहले व्यक्ति का जो क्वेश्चन था वो, ये दोनों व्यक्ति का एक ही क्वेश्चन था, लेकिन उनका जो स्प्रेड पहले व्यक्ति का निकल कर आया वो फाइव ऑफ वांड्स था, और मेजर आर्कना कार्ड उसमें से आया एम्परर यानी राजा, और फिर सिक्स ऑफ वांड्स आया। नंबर आप देखिए कि हाँ नंबर एकदम आसपास वाले हैं, तो न्यूमरोलॉजी से भी काम करता है कि हाँ आपको किस तरह से आपका जो प्रोग्रेस होगा वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा, एक लीप में नहीं होगा। फिर दूसरा जो मेजर आर्कना कार्ड आ रहा है या दूसरा जो सेट आ रहा है उसी क्वेश्चन के लिए अपनी पढ़ाई के लिए, वो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है, दोनों में फाइव है यानी कि डिसीजन मेकिंग है। फिर दोनों में तो फिर दूसरे वाले में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है और टेन ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फाइव से टेन का जो जंप है वो बड़ा है। अब न्यूमरोलॉजी का भी हमने वहां एस्पेक्ट देख लिया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है कि आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके सिद्धांतों को लेकर आपके किसी के साथ बहस हो जाए या झमेला हो जाए, लेकिन यदि आप उस सिद्धांत पर डटे रहेंगे, आप उस सिद्धांत पर बने रहेंगे, तो आपको आगे चल के रिजल्ट दिखाई देंगे। आप लोग आपके साथ उस पर बहस करें जो भी करें, लेकिन एम्परर ये बात बता रहे हैं कि आप अपने डिसीजन पर अडिग रहिए, आप अपने डिसीजन को अपने दिमाग में एकदम प्रबल बनाकर चलिए, और कोई जरूरी नहीं है कि आपको दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना है, लेकिन आपके पास एक प्लान भी होगा, बी भी होगा, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एम्परर आपको एक प्लान बी की क्षमता भी देता है या देते हैं। यदि आप वो दोनों काम कर सकते हैं कि दूसरों की आवाज को नेग्लेक्ट करें या इग्नोर करें और अपने
बात पर अडिग रहे, अपनी डिसीजन पर अडिग रहे, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो लोग जो आपको अपोज कर रहे थे या आपके साथ गलत कर रहे थे, वो आगे चलकर आपकी विजय पर खुश होंगे और आपको वाहवाही भी देंगे। तो पहले का ये आंसर, पहले क्वेश्चन का ये आंसर आया, पहले व्यक्ति के क्वेश्चन का ये आंसर आया। दूसरे व्यक्ति का क्वेश्चन ये हुआ कि देखिए यहाँ पर यदि हम फिफ्थ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स लेते हैं तो ये बता रहा है कि आपका एक दूसरों के ऊपर एक अपर हैंड है, दूसरों को आपने पहले से ही परास्त किया हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा है जो कि दूसरों के पास नहीं है, इसके लिए दूसरे आपसे परास्त होकर जा रहे हैं। लेकिन सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहा है कि आप चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप पढ़ाई में से भी को चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं या आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं। ये जो सेवन ऑफ वॉन्ड्स है ये भी बता सकता है कि आप रात को जगकर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो कि दूसरों को नहीं मालूम है, जिसके कारण आपको एक वापस अपर हैंड दूसरों से मिलता है। तो आप इन दोनों में से क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे, उसके कारण आपका जो निर्णय है वो बदलेगा। वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि एक कोर्ट कार्ड है वो बताएगा, यदि आप रात को जगकर दूसरों से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं या आप रात को जगकर दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में होगा, वो आपको पढ़ाई की ओर लेके जाएगा, वो आपको विन की ओर लेके जाएगा। लेकिन यदि आप शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है मैं उसको लेता हूँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि लास्ट कार्ड है, जो कि चेंज हो सकता है, जो लाइफ को चेंज कर सकता है या इसका निष्कर्ष चेंज कर सकता है, वो ये बोलता है कि देन वी विल सी टू इट कि यू डू नॉट गो दैट वे, यानी कि आपका कहीं ना कहीं आप वो रुक जाएगा या वो चेंज हो जाएगा। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस कि आप क्या एलिमेंट आ रहा है। फर्स्ट में हमने देखा कि दूसरों से जिद्दोजहद है, और सेकेंड में, सेकेंड सेम क्वेश्चन के लिए हमने देखा कि स्वयं को नियंत्रित करके, स्वयं को एकाग्र, कम के मन को एकाग्र करके अपने काम पर ध्यान लगाना है, और काम से चोरी हम नहीं कर सकते। इसी तरह सूट्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग आपको शेड्स ऑफ इमोशंस से लेके जा सकते हैं। खाली सूट्स नहीं, उनके नंबर्स हम देख सकते हैं कि वो कितना चेंज कर सकते हैं, कोर्ट कार्ड्स कौन से आते हैं वो भी बताते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ टैरो के, तब तक के बेल लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।